भाई लोग ब्याह क्यों करते हैं? कोई करता है सुख शांति के लिए, कोई करता है बाल बच्चों के लिए, कोई ये चाहता है कि शादी कर ले, एक बढ़िया साथी मिल जाए और पूरा जीवन कट जाए। लेकिन अब ब्याह जो है कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए भी कर रहे हैं। जी हाँ, पूरी खबर आपको बताएंगे। एक आपने डायलॉग सुना होगा, आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। वैसे तो ये डायलॉग काफी पुराना है, लेकिन एक वेब सीरीज आई खाकी द बिहार चैप्टर। इस वेब सीरीज के आने के बाद से डायलॉग ग्लोबल हो गए। और अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो अशोक मेहतो को आप जानते होंगे, बिहार का कुख्यात बाहुबली, सालों तक जेल में रहने वाला। आज इस बाहुबली की एक नई कहानी शुरू हो गई है। जी हाँ, 55 साल की उम्र में इन्होंने ब्याह रचाया है। वैसे तो खरमास का महीना चल रहा है जिसमें कोई शुभ काम नहीं करते हैं, इस समय लोग शादी करके हनीमून पर निकलते हैं, लेकिन अशोक मेहतो इस समय ब्याह रचा रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा ही खास मकसद है। जी हाँ, आजकल जो है रिश्ते वो सियासत के हिसाब से भी निभाए जाते हैं, सियासत के हिसाब से बनाए जाते हैं। जी हाँ, अशोक मेहतो को अब चुनाव लड़ना है। लड़ना कहिए या लड़वाना कहिए, आजकल चलन भी है ना कि नाम लोग अपना रखते हैं आगे और चुनाव लड़वा देते हैं अपनी पत्नी को। तो अशोक मेहतो चुनाव लड़वाने के लिए 55 साल की उम्र में 44 साल की अनीता से उन्होंने ब्याह रचा लिया। खबर ये है कि आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी मुंगेर से चुनाव लड़ सकती हैं। वही मुंगेर जहां से नीतीश कुमार के खास जेडीयू के दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह सांसद अशोक मेहतो के ऊपर कई नरसंहार में शामिल होने के आरोप हैं। अशोक मेहतो 17 साल तक जेल में रहकर बाहर आया है। बीते 10 दिसंबर 2023 को वो जेल से बाहर आया, उसके साथ ही वो चुनावी तैयारी में लग गया। पटना स्थित करौटा मंदिर में उसने शादी रचाई। समारोह में कुल 50 लोग मौजूद थे। शादी की तस्वीर और वीडियो भी सामने आए हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक मेहतो की पत्नी अनीता दिल्ली के आरकेपुरम की रहने वाली हैं। उनका परिवार, उनकी पत्नी का परिवार जो मूल रूप से लखीसराय का रहने वाला है। अशोक मेहतो की क्राइम कुंडली एक बार आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 90 के दशक से बिहार में सक्रिय रहा है। 2002 में बाहुबली अखिलेश के घर पर हमले का आरोप है। हमले में अखिलेश गैंग के 12 लोगों की हत्या की गई थी। 2002 में नवादा जेल से फरार हो गया। गैंग पर पुलिस वालों की हत्या का भी आरोप है। 2006 में देवघर से गिरफ्तार किया गया। 2023 तक भागलपुर जेल में रहा और अब वो बाहर। अब लगे हाथ आपको अशोक मेहतो की दुल्हन का बयान भी सुनवा देते हैं। जीवन की शुरुआत है तो सब अच्छा ही लग रहा है। सबका इतना सा प्यार है, स्नेह है, मोहब्बत है, तो डेफिनेटली रंग लाएगी, जो होगा अच्छा ही होगा। ब्याह के बाद अशोक मेहतो राबड़ी आवास पहुंचे, जहां आरजेडी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। ये तस्वीर भी आप देखिए। चलिए हो गया। खबर ये भी है कि लालू यादव ने अशोक मेहतो को आश्वासन दिया था कि पहले तुम ब्याह कर लो, उसके बाद हम तुमको टिकट देंगे। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय सिंह ने क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। अगर उन्होंने शादी किया है और वो चुनाव लड़ना चाहती है उनकी पत्नी, तो ये पार्टी नेतृत्व किसे उम्मीदवार बनाएगी, ये कौन हमारा उम्मीदवार होगा, ये तय हो जाएगा, इसकी घोषणा हो जाएगी, पता चल जाएगा। हम 40 सीट कैसे जीते, इसके लिए जो उपयुक्त उम्मीदवार होंगे, जिताऊ उम्मीदवार होंगे, उसे पार्टी टिकट देगी और हम जीतेंगे। जो जनसेवा में, जनता की सेवा के लिए तो कोई भी आगे आ सकता है, आना भी चाहिए। क्या लालू जी शासन था अशोक मेहतो को कि शादी करो, पत्नी को दे देंगे और अगड़ा बना भी। भाई ये इसका इसकी जानकारी हमें नहीं है और ये बातें कहाँ से आई ये हमें पता नहीं है। अब अनुमान पर और किसने क्या कहा नहीं कहा, ये सब चीज़ों पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है, ऐसी बात है ही नहीं। अशोक मेहतो शादी करके चुनावी अखाड़े में पत्नी को उतारता है तो इसका असर सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि नवादा और बेगूसराय पर भी पड़ेगा। वहाँ का सियासी समीकरण भी बदलेगा। पिछले साल जब बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई थी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जाति के गैंगस्टर अशोक मेहतो को की रिहाई की मांग उठाई थी। और पिछले साल दिसंबर महीने में जब अशोक मेहतो जेल से रिहा हुआ तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भागलपुर से नवादा के अपने गाँव पहुँचा था।
अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएगा और देखना होगा कि इस बार मुंगेर की कहानी क्या होती है। राजीव रंजन सिंह चुनाव जीतते हैं या अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव जिताने में कामयाब होता है। बाकी अशोक महतो के शादी करने को लेकर, आरजेडी से चुनाव लड़ने को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।